Good morning, student. Once again, welcome back for your next class. In this class, we will discuss about our next topic, that is Arrhenius equation. One of the most important topic of this chapter. देखिए, Arrhenius equation क्या है? K is equals to A is the exponential minus EA upon R. This is the Arrhenius equation. ठीक है जी. जहाँ पे आपका K क्या है? K is rate constant, या फिर जिसको specific rate of a reaction भी बोलते हैं. A क्या है आपका? Arrhenius constant या Arrhenius factor भी बोलते हैं. Arrhenius factor हो गया, या फिर आप इसको बोलते हैं frequency factor. Exponential से पहले आ रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ ए. अरेनियस फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं. आर इज गैस कॉन्स्टेंट. देखिए, आर की अलग अलग वैल्यू आपने प्लस वन में पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है, एनर्जी की टर्म्स में बात करनी है. That is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या एनर्जी के टर्म्स में ये था. अगर आप किलो जूल में लेना चाह रहे हैं तो बस जूल से आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए. ये इज एक्टिवेशन एनर्जी. ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. या हमेशा या तो जूल पर मोल में या फिर किलो जूल. आपको बुक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, इट वुड बी इन किलो जूल पर मोल. वर्क दो तरीके से, या तो यहाँ पे आर की यूनिटी किलो जूल पर मोल में. किलो जूल पर मोल में क्या होगी? डिवाइड बाय थाउजेंड टेन रेस टू माइनस थ्री पर केल्विन पर मोल. अगर आपने ऑलरेडी आर की वैल्यू किलो जूल में ले ली है तो आपको आंसर को किलो जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली किलो जूल में ही आ रहा आपका. अगर आपने आर की वैल्यू जूल में ली है तो आप आंसर को कन्वर्ट कर दीजिए किलो जूल में 8000 से डिवाइड करके. So these are the things which is present in this Arrhenius equation. चलिए जी, अब बात करते हैं इसके बारे में. देखिए, चलिए देखिए क्या थी हमारी इक्वेशन. दैट इज K इज इक्वल्स टू A E माइनस EA अपॉन R. हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन. नाउ टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमने नेचुरल लॉग लिया. ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस, ठीक है जी, ea अपॉन R. This becomes your equation number 2. ln k is equals to ln a minus ea upon rt. Now converting equation 2 into logarithm with base 10. क्या किया? अरेनियस इक्वेशन है आपके पास, उसको नेचुरल लॉग ले लिया. नेचुरल लॉग में इस तरह से कन्वर्ट, एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है ना. ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग से लॉग विद बेस 10 में, दैट मींस एलओजी वाला, एलओजी लॉग के लॉग ए, ये चीज आपको सिखाएगी. नेचुरल लॉग को जब आप लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आप इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2.303 से. कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं. ये इक्वेशन आपकी होगी 2.303 अपॉन आर. ठीक है, यहाँ पे बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हाल ही ये डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, पर स्टिल आपके लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है. ठीक है जी, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर थ्री. अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ea upon 2.303 r into 1 upon t.
प्लस लॉग ए लिख सकते हैं। मैथ्स में हमने मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे आपका लॉग के, एक्स एक्सिस पे आपका वन अपॉन टी, सी क्या होता है इंटरसेप्ट और एम क्या होता है स्लोप। तो यहाँ पे आपकी स्लोप क्या होगी, एम कैसा है नेगेटिव माइनस ए अपॉन 2.303 आर। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए अपॉन 2.303 आर। इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, सी से। सी किसके इक्वल है, लॉग ए। दिस इज योर अरेनियस इक्वेशन, इसको हमने नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ea अपॉन rt। जब इसको बेस 10 में कन्वर्ट किया तो इस इक्वेशन में हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा 2.303। अब इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर किया, log k y एक्सिस पे 1 अपॉन t x एक्सिस पे। तो m की वैल्यू, m क्या होता है स्लोप, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ea अपॉन 2.303 आर। और इंटरसेप्ट क्या होता है, c, जिसकी वैल्यू होगी log a। इज इट क्लियर, ठीक है जी। ये तो हो गया एक केस, जब हमारे पास एक टेम्परेचर होगा, एक रेट कांस्टेंट होगा उस केसेस में। अगर हमारे पास दो टेम्परेचर पे वर्क कर रही है रिएक्शन, सेम रिएक्शन है बट दो अलग अलग टेम्परेचर पे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट आएगा और उसका रेट कांस्टेंट भी। चलिए जी, एट टेम्परेचर टी वन, हमने टेम्परेचर कितना लेट कर लिया, टी वन, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, log k1 is equals to minus ea upon 2.303 r t1 plus log a। कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चाहे उसको अलग से इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। एट टेम्परेचर T2, log K2 is equals to minus EA upon 2.303 RT2 plus log A, this becomes your equation number 5। इसको अपनी कौन सी इक्वेशन एड कर ली, इक्वेशन नंबर 5। Now divide या subtract इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, दैट मीन्स log k2 माइनस log k1 इज इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन 2.303 r t2 प्लस log a। ये तो होगी इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को हमने माइनस करना है किससे, इक्वेशन 5 से। इक्वेशन 5 लिख ली, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस ea अपॉन 2.303 r t1 प्लस log, इजंट इट, यही होगा। अब देख लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा। इन दोनों वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी आपकी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन लॉग एन, ठीक है जी। लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपॉन लॉग एन। अब देखिए यहां से क्या चीज कॉमन आ सकती है, ea अपॉन, या पहले इसको लिख लीजिए इजीली अपने लिए, ea अपॉन 2.303 r t1 माइनस ea अपॉन 2.303 r t2। ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, ये तो कट चुका है, साइन चेंज हो गए थे। अब बताइए यहां से क्या कॉमन आ सकता है, log k2 अपॉन k1 ea अपॉन 2.303 r कॉमन आ गया, क्या बचा 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2।
ठीक है जी। K1 पे ये था आपका, K2 पे ये था। इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 5 से माइनस कर दिया, ये इक्वेशन माइनस करके साइन चेंज हो गया, जो कटता था वो काट दिया, ठीक है जी। इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिए, पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, नेगेटिव वाला बाद में लिख लिया। क्या कॉमन आ गया, ई अपॉन 2.303 आर, यहाँ से क्या बचा 1/T1, यहाँ से क्या बचा 1/T2, और ये लॉग एम माइनस एम किसमें चेंज हो गया, लॉग एम अपॉन एन में। तो एक इक्वेशन आपके पास ये होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एलसीएम ले लो। तो कैसे लिखा जा सकता है, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इनटू, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड। मेनी न्यूमेरिकल्स यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस सेक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है जी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस इट्स न्यूमेरिकल्स और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये हमारे लास्ट के दो टॉपिक्स रहे हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।